हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज डेट 4/5/2020, डे मंडे, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5, बुक गैलेक्सी, चैप्टर 1. सो लेट्स बिगिन. या वी वर रीडिंग चैप्टर 1, राइट? वी वर रीडिंग, ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? वी वर रीडिंग अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस, राइट? द प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड स्पोर्स, राइट? ये सब जो है ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, न्यू प्लांट में. तो प्लांट का फेवरेबल कंडीशन क्या क्या था? जैसे हम पढ़े थे कि उसे सही मात्रा में गर्मी चाहिए, वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड ऑल्सो द फर्टाइल सॉइल. ओके, सॉइल भी दरकार है. अच्छा सॉइल होगा तभी अच्छा प्लांट ग्रो करेगा. एंड ऑल्सो उसके बाद हम पढ़े थे कि कैसे करके सीड जो है वो अपना पैरेंट प्लांट से कैसे करके डिस्पर्स किया जाता है, मतलब वो कैसे करके अपना पैरेंट प्लांट से काफ़ी दूर जाके ग्रो करता है. उसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं, जैसा विंड, वाटर या उसके बाद डिस्पर्सल बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स या फिर बाय एक्सप्लोशन. ये सब ऐसे नेचुरल चीज है जो एक सीड को अपने पैरेंट प्लांट से काफ़ी दूर ग्रो करने में मदद करता है. उसके बाद हम पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे फार्मर क्रॉप ग्रो करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स, सबसे प्लेइंग प्लाउइंग, सोइंग या उसके बाद आपका वो मैन्यूअल इरीगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर कटिंग, ये जो ये सब मेथड्स हैं ये हम लोग पढ़े थे कैसे करके फार्मर ये सब यूज़ करते हैं अपना क्रॉप को प्रोड्यूस करने में. और उसके बाद हम पढ़े थे कैसे करके प्रोटेक्ट भी करते हैं. और एक चीज़ हम यहाँ पे हम पढ़ पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जैसा अभी कैसा मेथड बदल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, ये सब के बारे में. तो हम लोग का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज था टुडे विल कंप्लीट इट. ओके, लेट्स डू इट. कंप्लीट द टेबल. सीड, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्जल. ओके, सीड कॉटन, कॉटन का एजेंट ऑफ डिस्पर्जल क्या है? विंड, राइट? और इसका स्पेशल फीचर्स क्या है जो उसको सीड को डिस्पर्स होने में मदद करता है? उसका हेरी लाइक स्ट्रक्चर. जो कॉटन का हेरी लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? कॉटन को हवा के द्वारा, विंड के द्वारा कहीं दूसरे पैरेंट प्लांट से काफ़ी दूर जाके ग्रो करने में मदद करता है. ओके, बी डैश एजेंट ऑफ डिस्पर्सल डैश स्पॉन्जी फ्रूट हेल्प्स इट टू फ्लोट अवे. सीड क्या है? कोकोनट. ओके, इसका एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या है? कैसे करके वो डिस्पर्स करता है? थिक फाइबरस कोट. उसका जो वो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल है आपका वाटर. सीड क्या है इसका? कोकोनट. ओके, कोकोनट है सीड और एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या है? वाटर. इसके द्वारा ये स्पॉन्जी फ्रूट हेल्प्स टू फ्लोट अवे. तो ये क्या करते हैं, ये पैरेंट प्लांट से काफ़ी दूर जाके ग्रो करते हैं. सीड टाइगर्स क्लॉ, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या है? एनिमल. ओके, तो क्या स्पेशल फीचर है जो उसे एनिमल के द्वारा सीड डिस्पर्स करने में मदद होता है? क्या चीज़ है? जूसी फ्रूट्स, राइट? जूसी होता है जो एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा काफ़ी दूर जाके उसे डिस्पर्स करने में मदद करता है जब वो अपने आप को क्लीन करते हैं, राइट? ठीक है, चलिए नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. नंबर 8, सीड लीव्स आर ऑल्सो नोन एज डैश. सीड लीव्स को हम क्या नाम से जानते हैं? चलिए बोले, सीड लीव्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एनी ट्राई, एनी गेस? कॉटिलेडॉन्स. कॉटिलेडॉन्स के नाम से हम लोग सीड लीव्स को जानते हैं. सीड लीव्स आर नोन एज कॉटिलेडॉन्स. ओके, नंबर 2, व्हाट डू सीड्स नीड्स टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट. सीड को क्या ग्रो करना पड़ता है न्यू प्लांट के लिए? व्हाट डू सीड्स नीड्स टू ग्रो, सीड्स को क्या क्या चाहिए एक न्यू प्लांट ग्रो करने में? एयर, वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, ऑल ऑफ दिस. एक्चुअल में एयर को तो ये सब, प्लांट को, नया सीड को तो ये सब चाहिए ना, हवा, पानी और सही मात्रा में गर्मी, जिससे वो एक नया प्लांट में ग्रो कर सके. तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. ओके, पोटैटोज ग्रो फ्रॉम, पोटैटोज कहाँ से उगता है? सीड, स्टेम्स, रूट्स, लीव. पोटैटो तो रूट से उगता है ना, सो इट विल बी रूट्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग. या इसमें से कौन सा प्लांट्स का प्रोसेस है जो स्टेम कटिंग के द्वारा उगता है? वो है आपका रोज. रोज को अगर हम स्टेम कटिंग करेंगे तो क्या होगा, वो एक बेहतरीन प्लांट में ग्रो करता है. ओके, आप अगर आपको रोज़ लगाना है, आपके पास एक ही रोज़ प्लांट है, तो आप उसको स्टेम कटिंग कर सकते हैं. तो अगर आपका स्टेम को काट के कहीं और लगाएंगे तो वहाँ से वो क्या करता है, ग्रो करता है.
नंबर ए, स्पोर्स आर यूजली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द डैश ऑफ द फ्रंट प्लांट. स्पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द क्या होगा, लीव्स ऑफ द फ्रंट प्लांट. स्पोर्स कहाँ मिलता है, स्पोर्स आपका मिलता है लीव्स में, राइट, ऑफ द फ्रंट प्लांट. फ्रंट प्लांट के क्या में मिलता है, लीव्स में. तो और चलिए करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर ए, सीड लीव्स आर ऑल्सो नोन एज कॉटिलेडॉन्स. नंबर बी, व्हाट डू सीड्स नीड्स टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट. सीड को नया प्लांट ग्रो करने में क्या चाहिए, ऑल ऑफ दिस, सब चीज. पोटैटोज ग्रो फ्रॉम, कहाँ से पोटैटोज ग्रो करता है, रूट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग. यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, जो ऐसा कौन सा प्लांट है जो स्टेम कटिंग के प्रोसेस द्वारा ग्रो करता है, रोज. स्पोर्स आर यूजली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ द फन प्लांट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर फोर, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट. ये प्लांट का कौन सा पार्ट नया प्लांट में ग्रो करेगा वो आपको बताना है. रोज, प्लांट दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. प्लांट रोज का कौन सा ऐसा पार्ट है जो न्यू प्लांट में ग्रो करता है, स्टेम. मैंगो का सीड, चिली का सीड, मैंगो का भी सीड ही है ना, यस. उसका जो बीज ना, हम जो खाते हैं मैंगो, उसका जो बीज आता है वही रोपने से ना ग्रो करता है. चिली का भी आप देखेंगे, उसका छोटा छोटा बीज होता है, राइट, चिली. शुगर कैन रूट, शुगर कैन का आपका क्या है, शुगर कैन आपका कहाँ से ग्रो करता है, शुगर कैन आपका ग्रो करता है आपका स्टेम्स के द्वारा, राइट. पोटैटो रूट्स, स्वीट पोटैटो रूट्स के द्वारा. तो ये देखिए, स्वीट पोटैटो आपका रूट्स के द्वारा ग्रो करता है और पोटैटो आपका स्टेम्स के द्वारा ग्रो करता है. ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मिस्ड अप विद पोटैटो, स्वीट पोटैटो. और एक बार हम बोल रहे हैं आंसर, रोज आपका कहाँ से ग्रो करता है, स्टेम. मैंगो सीड, चिली सीड, शुगर कैन स्टेम्स, पोटैटो स्टेम्स एंड स्वीट पोटैटो रूट्स के द्वारा. ओके, तो और एक बात, यहाँ पे आंसर इन ब्रीफली है, ये ए बी सी डी ई एफ जी ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आप लोग खुद करेंगे. ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर बाय योरसेल्फ. आई वांट यू टू रीड दिस चैप्टर प्लांट्स रिप्रोडक्शन प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, अगर आप वन नहीं किए हैं तो वन भी आप कर लीजिएगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ओके, 1, 2, 3, 4, I gave you the answers. I want you to do 5 by yourself. Okay, this is a question answer. Just write the answer in short, not in detail. Okay, and in the next class, I'll give you answer in detail, number 6. We will give you answer in detail. Okay, answer in detail. Okay, so we are telling you what to do. First, you have to read the chapter, understand. After that, 1, 2, 3, 4, and 5, you have to solve at home. Okay, this is for today. Thank you, class.